ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। उपनिषद का एक ऋषि पर्वतों की चट्टान पर खड़ा होता है और वहां से घोषणा करता है, अम्बिदस्य पुत्राः सुनवंत विश्वे, हे विश्व की आत्माओं सुनो, तुम सब कौन हो? अमृतस्य पुत्राः, आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परस्थात्। हे संसार की आत्माओं सुनो, तुम अमृत की संतान हो, तुम यह नश्वर देह नहीं। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, आदित्य सूर्य की भांति तुम्हारा तेज है, तमस तिमिर अंधकार तारीकी को नष्ट करने वाले तुम हो, ऐसे अमृत की संतान तुम हो। बाबा ने आकर हमें उस अमृत का ज्ञान दिया है, वह अमृत ज्ञान जिसे पाकर आत्मा तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए। जो सुबह कहा था कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना, ऐसी उसकी यह वाणी, अमृतस्य पुत्राः कहने वाली उसकी यह वाणी, मीठे मीठे बच्चे कहने वाली उसकी यह वाणी साधारण वाणी नहीं है। बाबा ने कहा है एक तरफ मैं जो सुनाता हूं वो है और दूसरी तरफ संसार की सभी आत्माओं ने अब तक तुम्हें जो सुनाया वो है, जज करो ये राइट है या वो राइट है। ऐसी यह ज्ञान मुरली ब्राह्मणों के लिए जीवदान है, ब्राह्मणों के लिए जीवन दान है, ब्राह्मणों का श्वास है, ब्राह्मणों के जीवन की धड़कन। ऐसी यह मुरली जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करती है, ऐसी यह मुरली जिससे बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, सत्य क्या असत्य क्या नित्य क्या अनित्य क्या सार क्या और असार क्या समझाने वाली, ऐसी यह ज्ञान की मुरली है। तो रोज हम जब से बाबा के बने तब से इस मुरली को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। यह सुनना बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, भक्ति मार्ग में सुनने को नवधा भक्ति में से एक भक्ति बताया गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कहानी है, मेरी जो कथा है और मेरी जो वाणी है उसके प्रति प्रेम होना, इसको दूसरे प्रकार की भक्ति बताई है रामायण में, नवधा भक्ति में से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना, महान आत्माओं का संग करना, श्रेष्ठ योगियों का संग करना, यह प्रथम भक्ति है। और दूसरी उसकी वाणी सुनना। तो हम रोज आते हैं और वो हमें सुनाता है, ज्ञान की अमृत गंगा बहती है, हम उसको पान करते हैं। परंतु जो मुरली वो सुनाता है वो हमने कितना समझा है? अगर आप अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करो तो उसमें बार बार एक शब्द आता है, समझा। वक्ता ऐसा क्यों कह रहा है बार बार समझा? शायद शायद श्रोताओं ने समझा नहीं है। जगदीश भाई कहते हैं कुछ भी नहीं समझा बाबा, कुछ भी नहीं समझा। स्पीकर इधर है, ऑडियंस इधर है, इसकी स्थिति यहां है, उसकी स्थिति यहां है,
कैसे समझ पाएंगे? शब्द हाथ में है, शब्द पता है, परंतु शब्द केवल ज्ञान नहीं है। चार चीजें सभी नोट करना है। एक है शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या है, वो हमें शायद शब्दकोश से पता चल जाए या किसी को पूछ ले तो शब्दों का अर्थ पता चल जाएगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमने उसे समझ लिया जो बोल रहा है। दूसरा है भावार्थ, उसका भाव क्या है। शब्द तो हमने देख लिए, सुन लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, अर्थ जान लिया शब्द का, परंतु शब्दार्थ एक है, दूसरा है भावार्थ, तीसरा है वाक्यार्थ। संपूर्ण जो वाक्य बाबा ने कहा है उस संपूर्ण वाक्य का अर्थ वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है, वो इतना साधारण नहीं है जितना हम पढ़ रहे हैं। और चौथा है गुणार्थ, गुण अर्थ क्या है उसमें। यदि ये चारों ही चीजें समझनी है, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ, तो स्थिति वही होनी चाहिए जो सुनाने वाले की स्थिति है। यदि हमारी स्थिति बहुत नीचे है तो केवल हम शब्दों को पकड़ लेंगे बस, उस भाव को, उस अर्थ को नहीं समझेंगे जिस भाव से उसने वो कहे हैं, वो दूरी रहेगी। और वास्तव में बाबा जो कहता है वो शब्दों में नहीं, दो शब्दों के बीच में जो अंतराल है उसमें कुछ कहता है, दो वाक्य के बीच में जो अंतराल है उसमें कुछ कहता है, जो स्वर और स्वर के बीच का अंतराल है उसमें कुछ कहता है, वो जो मौन है उसमें वो कुछ कह रहा है। वास्तव में उसकी भाषा तो मौन है, कुछ कहने का उसे, कुछ कहने की उसे आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जब साकार तन में प्रवेश करता है तो यहां की भाषा का प्रयोग करता है और उस परम सत्ता, उस परम ज्ञान को वो भाषा में ढालने का प्रयत्न करता है, परंतु संपूर्ण सत्य मौन है, शब्द नहीं, स्वर नहीं, आवाज नहीं, भाषण नहीं, संवाद नहीं, संपूर्ण सत्य मौन है। और उस सत्य को जानना है तो मौन होना पड़ेगा, उसी मौन में मुरली को समझा जा सकता है। कोई आवाज में है, मुरली सुनाना या सुनना केवल बीच का कर्म हो रहा है, उसके पहले आवाज और उसके बाद में भी आवाज, तो कैसे समझ पाएंगे इसको। एक कर्म है, एक कारोबार के रूप में, एक रूटीन, एक दिनचर्या है, जाना है, सुनना है या सुनाना है, बस। और वही 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 रिपीट, हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौन नहीं है, क्योंकि एकांत नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मुक्ता नहीं है। बिना मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, ये तीन चीजों के इस अध्यात्म के जीवन में उन्नति हो ही नहीं सकती। एक घन मौन की आवश्यकता है, अ डीप साइलेंस। कई बार ऐसा हुआ है कि बाबा आए दादी के तन में बहुत पहले और केवल दृष्टि देकर चले गए। जिसको समझना था वो समझ लिए, क्या कहा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु बैठे हैं, शुक्राचार्य, सुखदेव बैठे हैं नैमिषारण्य में, इतनी बड़ी सभा है ऋषियों की, सब बूढ़े बूढ़े ऋषि उसमें बैठे हैं, वो छोटा सा बालक बैठा है, कह नहीं रहा है मुख से कुछ। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, मौन का ही व्याख्यान है, उस मौन के ही व्याख्यान से शिष्यस्त संशया, शिष्यों के जो संशय है वो दूर हो रहे हैं, ऐसी मौन में पावर है। तो आज हम देखेंगे, चार प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। सबसे पहला, मुरली का चिंतन क्यों करना है। दूसरा प्रश्न, मुरली का चिंतन कब करना है।
तीसरा प्रश्न, मुरली का चिंतन कहाँ करना है? चौथा प्रश्न, मुरली का चिंतन किस विधि से करना है? सबसे पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं, मुरली का चिंतन हमें क्यों करना है? पहले आप लोग बताएं, फिर हम बताएंगे क्यों हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। मुरली क्लास में गए, सारी पॉइंट्स लिख दिए, डायरी बंद, चिंतन करने का झंझट क्यों? क्यों चिंतन करें? क्या कहेंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जब हम चिंतन करते हैं तो चीज हमारे, बाबा जो कह रहे हैं वो पॉइंट हमारे व्यवहार में आती है। पहली पॉइंट, 25 बातें बतानी है, एक हो गई। दूसरी बताओ, वही वही पॉइंट रिपीट नहीं करना। तो जब हम चीज, किसी चीज का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे व्यवहार में आती है। दूसरा, शक्ति मिलती है। साइंस में कहते हैं नॉलेज डजंट मेक यू पावरफुल, बट चर्निंग ऑफ नॉलेज मेक्स यू पावरफुल। उस ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। और तीसरा, माया नहीं पकड़ती, माया अर्थात व्यर्थ संकल्प, क्योंकि चिंतन अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। तो जब मन में श्रेष्ठ संकल्प चालू रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प वहां पर आ नहीं सकते। जो मन चिंतन में बिजी है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है ज्ञान के पॉइंट्स की, बाबा ने ये कहा क्यों कहा होगा, मुरली सुनी और निकल गए चुपचाप अपने घर में सोचते सोचते कि ऐसा क्यों कहा, क्या राज होगा, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है। उस भाव से बैठकर सुनना है कि आज मुझे कुछ नया पॉइंट मिलने वाला है। नहीं तो माताएं बहनें मुरली सुनने सेंटर पर आते हैं, मुरली पूरी हुई, चप्पल पहनते पहनते महावाक्य उड़ गया, सीढ़ियां उतरते उतरते सेंटर की प्रश्न क्या था और उत्तर क्या था वो भूल गया, और घर पहुंचते पहुंचते धारणा के लिए मुख्य सार क्या था वो भूल गया, और नाश्ता बनाते बनाते वरदान गया, और फिर खाते खाते स्लोगन गया, और शाम तक सारी मुरली खलास। और कोई फिर पूछे मुरली में क्या था, बहुत अच्छी थी, बहन जी ने बहुत अच्छी बताई, था क्या वो मत पूछो, बस हाथ में इतना ही रह गया, जो है वो डायरी में है, जो आज के बाद फिर कभी पढ़ेंगे नहीं। पुरानी डायरिया किसी ने खोल के पढ़ी आज तक? शायद ही कोई होगा ऐसा। तो चिंतन क्या करता है, व्यर्थ को समाप्त करता है। तीसरा, चौथा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का भोजन है। चिंतन क्या है, चिंतन क्यों करना है, इसका उत्तर चाहिए हमको। चिंता से मुक्त हो जाएंगे, वाह, चिंतन करते करते चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अगला, बाबा ने नहीं, दूसरा बताओ, बाबा का तो ठीक है ये, और दिनचर्या में प्रॉब्लम होती है तो उसी का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। जीवन में जो समस्या है चिंतन से उसका समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या, मन बोल दिया शक्तिशाली हो चुका है पहले से हमारा, अभी दूसरा बताओ, नित्य नया रास पता चलता है मुरली के चिंतन से। अगर एक ही पॉइंट रोज आ रही है रोज आ रही है, हम खाली सुनते हैं, चिंतन नहीं चलता है। जिस दिन चिंतन करेंगे अचानक जैसे कि प्रकाश आ जाएगा बुद्धि में। 10 साल से एक ही पॉइंट सुन रहे हैं, 10 साल के बाद एक दिन सोचा इसका थोड़ा चिंतन करते हैं, और चिंतन करते ही एकदम पता चल गया इसका अर्थ तो ये था, मैंने तो समझा ही नहीं इसको। यहां पर नए नए राज खुलते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रोज नई नई पॉइंट सुनाता हूं, बाबा मैं तुम्हें रोज नई नई डिशेस ऑफर करता है, एक ही डिश नहीं है यहां पर, नई 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 बातें। और माता बहुत हो गया भाई, क्या होता है
चित्त निर्मल हो जाता है, चिंतन करते करते चित्त क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और चिंतन से क्या होता है? हाँ, पाप। चिंतन से ना, चिंतन से क्या होता है? पाप। तो केवल शक्तिशाली योग और परम धाम में ही दग्ध होंगे। और भाइयों के पीछे से कोई भी आवाज नहीं है, पीछे से भाइयों की तरफ से। चिंतन क्यों करना है ज्ञान का? हाँ, क्या? ज्ञान की गहराई समझने के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट है। ज्ञान की गहराई में हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसका चिंतन न करें। और आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए। अच्छा, और वरदान साकार करने के लिए। वरदान तो मिल गया, रोज मुरलियों में वरदान आता है, परंतु साकार नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस में नहीं होता है वो। तो और बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ समझने के लिए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जब तुम मुझे, मैं जो हूं जैसा हूं जान जाओगे, उस दिन तुम संपन्न बन जाओगे। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, नेचर ऑफ गॉड, माइंड ऑफ गॉड, इमोशंस ऑफ गॉड, फीलिंग ऑफ गॉड, वो क्या है? हाँ, विशेष आज बाबा ने कौन सा पॉइंट लिया है वो पता चल जाता है। और नजरिया बदल जाता है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। दूसरों को यदि हमें ज्ञान समझाना है और जो समझाने वाले हैं उनको ज्ञान बहुत स्पष्ट चाहिए, नहीं तो दूसरों को स्पष्ट कैसे समझा सकेंगे? हमें जो चीज समझ में नहीं आई है हम दूसरों को समझाने निकले? हमने ही जिसका गहराई से अध्ययन नहीं किया है। यदि ये किताब है एक और मुझे उस किताब पर प्रवचन करना है और मैंने खाली ऊपर ऊपर से पढ़ी है किताब, गहराई में नहीं जाए गए हैं, तो कैसे उसके ऊपर बोल सकेंगे? तो जिस पर हमें बोलना है ये ज्ञान, बाबा ने कहा है, यदि कोई कहता है कि हम समझा नहीं सकते, तो बाबा कहते हैं खुद ही नहीं समझा है। साकार मूल्यों में आया है ये, कई बार आया है। माता है बाबा से कहती है, बाबा हम अनपढ़ है, हम समझा नहीं सकते। बाबा कहते तुमने ही समझा नहीं है इसका मतलब। और चिंतन क्यों करना है? धारणा में सहायता मिलती है। और बुद्धि का विकास, बुद्धि कुशाग्र होती है, बुद्धि की शार्पनेस जो है वो बढ़ेगी, और जो बुद्धि शार्प होगी वही निर्णय कर सकेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन में क्या निर्णय करना है। कई लोग ऐसी अवस्था में होते हैं उन्हें पता ही नहीं, हर समय कंफ्यूजन है, करूं कि नहीं करूं, भट्टी है जाऊं कि नहीं जाऊं, मधुबन इस साल जाऊं कि नहीं जाऊं, छोटी छोटी बात, ये चीज लेनी है कि नहीं लेनी है, ये चीज छोड़ू कि नहीं छोड़ू, आज छोड़ू कि कल छोड़ू, प्रश्न 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 है जीवन में। तो बुद्धि शार्प तीव्र, और अभी तक जो गलतफहमी थी, जो धारणाएं गलत थी वो सारा, तो बाबा ने कैसे ज्ञान को क्लियर किया? ज्ञान का स्पष्टीकरण वो आता है। तो ये सारी पॉइंट्स है चिंतन की, इसलिए हमें चिंतन करना है स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, दूसरों को ज्ञान समझाने के लिए, स्वयं के बुद्धि का विकास करने के लिए, अध्यात्म में उन्नति करने के लिए। इस ज्ञान को जैसा दिया है वैसा ही समझने के लिए। इस विश्वविद्यालय का पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। अगर बुद्धि में ज्ञान ही नहीं तो योग भी नहीं होगा, फिर योग में खाली नींद आती रहेगी। इसके लिए पहले ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करना है। खाली बैठना, लाल लाइट हो गया और हम योग में बैठे हैं और बुद्धि भटक रही है, क्या अर्थ है ऐसे योग का? बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का प्रकाश हो,
तो अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार है अर्थात अर्थात प्रकाश नहीं है। अंधकार की परिभाषा क्या है? प्रकाश का अभाव। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। एक बार अंधकार भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहने लगा, ये जो सूरज है मुझे बहुत सताता है, इसका कुछ करो। मैं रात में आराम से सोता हूं तो ये सूरज आकर मुझे भगा देता है, कई समय से मुझे तंग कर रहा है, सता रहा है, इसके अत्याचार से मैं तंग आ गई हूं, इसका कुछ करो। भगवान कहते, अच्छा सूरज को बुलाओ। सूरज को बुलाया जाता है और कहता है कि तुम अंधकार को क्यों तंग करते हो? सूरज कहता है, यदि मैं किसी को तंग करता होऊंगा तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मुझे यह तो बताओ अंधकार है कहां, अंधकार कौन है? भगवान की किताब में, भगवान की ऑफिस में वो फाइल अब तक भी खुली है, क्योंकि अंधकार कभी सूरज के सामने आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार अर्थात प्रकाश का अभाव। जहां ज्ञान का अभाव होगा वहां अंधकार है, वहां अज्ञान है, और अज्ञान में ही गलती होती है। गलतियां जीवन में, अगर अपनी सारी गलतियां को देखो, क्रोध आया था बहुत जबरदस्त, वो क्षण अज्ञान का क्षण था, आत्मविस्मृति का क्षण था, आत्म अज्ञान का क्षण था। यदि आत्म ज्ञान होता तो वो क्रोध ही नहीं आया होता, क्योंकि अंधकार था। प्रकाश को लाना है जीवन में, तो अभी हम 3 प्रश्न बाकी है। अभी हम 20 मिनट तक योग का पहले अभ्यास करेंगे, और फिर वो जो 3 प्रश्न बाकी है, चिंतन कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है, उसका उत्तर खोजेंगे। तो अभी अभ्यास में क्या करना है, सभी अपनी डायरियां बंद कर देंगे। आज सुबह अमृत वेला हमने परमधाम की 7 अवस्थाओं का अभ्यास किया था, शायद आप में से बहुत लोग नहीं थे, बहुत थे भी। और अब हम करेंगे सूक्ष्म वतन की 7 ड्रिल्स। सूक्ष्म वतन में हम जब जाए तो वहां क्या करना है, वो कौन सी 7 ड्रिल्स है जो हमें वहां करना है, पहले हम आपको बता देंगे और फिर हम कमेंट्री से योग करेंगे, ताकि सभी जो चीजें बताई जाएगी वो करे। स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर सूक्ष्म वतन में पहुंचे। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा है। पहला अभ्यास यह करना है कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, उस दृष्टि से बहुत कुछ आ रहा है, केवल नैनों से ही वो बहुत कुछ दे रहा है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल नैनों की भाषा, उसकी आंखों से मुझे जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। पहला दृष्टि। दूसरा, उसकी भ्रुकुटी से अनंत शक्तियां निकलकर मुझ में समा रही है। यह दूसरा अभ्यास करना है, और यह अभ्यास केवल अभी नहीं, रोज। तीसरा, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, अनुभव करना है कि उसने हाथ रखा है, दिखाया है। छोटा सा शंकराचार्य 8 की उम्र में दक्षिण से घर से निकल जाता है, संन्यास लेता है, यहां वहां भटकता है, नॉर्थ में पहुंचता है, उत्तर में अपने गुरु की तलाश में, पता चलता है गुरु वहां है, गुरु के उस गुफा के अंदर जाता है, गुरु ध्यान मग्न है, 3 दिन और 3 रात वहीं बैठा रहता है। गुरु आंख खोलते हैं 3 दिन के बाद और कहते हैं, शंकर तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे, और
उसके गुरु आदि शंकराचार्य के सिर पर हाथ रख देते हैं और सारी शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती है, अष्ट शक्तियां। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने वाला वह आदि शंकराचार्य, सातवीं शताब्दी, ये जीवन में उनके उदाहरण दिया है। वैसे भगवान शिवाचार्य सामने बैठा है और उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, हाथों से किरणें आ रही है सारी और मुझ आत्मा में समा रही है। तीसरा अभ्यास, चौथा अभ्यास, बाबा मुझे क्या कर रहे हैं, तिलक दे रहे हैं। कौन सा तिलक? विजय भव का तिलक। और कौन सा तिलक? आत्मस्मृति का तिलक। पावरफुल तिलक बताओ और कुछ जो सारे दिन भर काम आए। हर एक को अपना अपना अलग तिलक लेना है बाबा से। कौन सा तिलक लेंगे? माता है स्वभाव, कौन सा तिलक, किसका निशानी? सुहाग की निशानी। अच्छा, बाबा को सुहाग। अच्छा, बाबा से सुहाग, तिलक नहीं, इनको तिलक नहीं चाहिए, सुहाग। बाबा से सुहाग, सदा सुहागिन भव। और कौन सा तिलक लेंगे? कुमार कौन सा तिलक लेंगे बाबा से? विशेष कुमार, संपूर्ण पवित्रता का तिलक लगाने आए, अखंड ब्रह्मचारी भव। कौन सा तिलक लेंगे? अखंड ब्रह्मचारी भव। कुमारिया कौन सा तिलक लेंगी बाबा से? कुमारिया कौन सा तिलक लेंगी? वो छोटी कुमारी बताएंगी सुबह जिन्होंने नृत्य किया था। बाबा से कौन सा तिलक लोगे? अखंड ब्रह्मचारिणी भव। तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। रघुवीर स्वयं आया है, रघुनाथ स्वयं खड़ा है और तिलक दे रहा है। ऐसा अनुभव करना है कि वो तिलक लगा दिया है उसने। चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था, पर सूक्ष्म वतन में सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों का अनुभव करना है उससे। वो मां है तो क्या करता है मां बनकर, गुरु है तो क्या करता है, ये मेरा गाइड है, बाबा तुम ही गाइड करो क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हैमलेट चिल्लाते रहता है, पता नहीं उसको क्या करना है हमेशा। टू बी और नॉट टू बी, करूं या न करूं, जीना है या मरना है, ऐसा जब जीवन में प्रश्न हो, बीच अधर में त्रिशंकु की तरह लटके हैं, बाबा से पूछो तुम मेरे गाइड हो, बताओ मैं क्या करूं, तुम मेरे मार्गदर्शक है, बताओ मैं क्या करूं, तो वो बताएगा। वो क्या करेगा? बताएगा। छठवा, बाबा से रूहानी बातें करनी है उससे, बहुत बातें करनी है। वो सब कुछ उसको बताना है जो और किसी को नहीं बता सकते। और सातवा, सूक्ष्म वतन में आत्माओं को इमर्ज करना है, जो सुबह अभ्यास बताया, जिन्होंने बहुत दुख दिया है उनको क्या करेंगे? क्षमा। जिनों को हमने दुख दिया है उनको माफी मांगना, और जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है हमारे जीवन में, बहुत उन्होंने मदद की है, वो सभी आत्माएं, वो सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जिन्होंने हमें कोर्स कराया, जो हमें मधुबन लेके गई, जिन्होंने हमें बाबा से मिलाया, जिन्होंने हमें मधुबन में घुमाया, जो हमारी रोज सेवा केंद्र पर ज्ञान मुरली से हमारी पालना करती है, उनका क्या करेंगे? शुक्रिया, उनका धन्यवाद। वह प्रकृति और उस प्रकृति के पांच तत्व सद्युग से लेकर अब तक
जिसने हमारी पालना की, उन पांच तत्वों को क्या करेंगे, क्या करेंगे? सकाश। और एक चीज, आज जब हम दोपहर को यहां से जा रहे थे तो भाई जी हमको वहां लेके गए जहां पर नया सेवा केंद्र बन रहा है, क्योंकि वो इस शहर में बन रहा है तो यहां पर उपस्थित हर आत्मा का यह कर्तव्य है कि अमृत वेला सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर जाना और उस भूमि को सकाश देना। कल से ये काम सभी को करना है, करेंगे सभी? सूक्ष्म रूप में उस भूमि के ऊपर जाना, क्षिति जल पावन गगन समीरा, वहां का सब कुछ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांचों ही तत्व, उन पांचों ही तत्वों को वहां सकाश देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि संसार की सारी आत्माएं वहां आ जाए। इस संकल्प के साथ उस भूमि के, उस मिट्टी के, उस कण कण के वाइब्रेशंस में पावर शक्ति भर देना है ताकि वो कार्य संपूर्ण निर्विघ्न हो जाए और वो कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाए, कोई विलंब ना आए उस कार्य में, क्योंकि वो यदि यहां बनता है तो उससे असंख्य आत्माओं की सेवा होगी। इस संकल्प के साथ शांति शिखर, शांति शिखर ना, शांति शिखर, वहां सूक्ष्म रूप से जाना और तत्वों को सकाश देना, उस भूमि को शक्तिशाली बनाना, वहां खड़े रहकर आत्माओं को आह्वान करना, आ जाओ इस स्थान पर, आ जाओ। पूर्वजों को इमर्ज करना उस स्थान पर कि सारे पूर्वज यज्ञ के, सारी दादिया, ब्रह्मा, मम्मा, सब उस भूमि की रक्षा कर रहे हैं और उस भूमि को सकाश दे रहे हैं। वो स्थूल कार्य तो ऐसे ही हो जाएगा स्वतः, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है सकाश वाइब्रेशंस, ऐसे शक्तिशाली वाइब्रेशंस उस भूमि में हो कि लोगों को लगे ये स्वयं भगवान की अवतरण भूमि है। भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जैसे कि स्वयं भगवान ने यहां पर पैर रखे हैं, ऐसा उनको अनुभव। चिंतन कब करेंगे? हमने पहला प्रश्न देखा, चिंतन क्यों करना है। दूसरा प्रश्न है कब करना है? अमृत वेला योग छोड़ के चिंतन, ज्ञान चिंतन कब करना है? अमृतोदय के बाद और मुरली के बाद। पर मुरली के बाद तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने होते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति, मौसम, भोजन, कहां क्या हो रहा है, सोने के पहले, और सभी उत्तर राइट है। और कर्म क्षेत्र में तो बहुत बिजी होते, उसमें ज्ञान चिंतन टाइम अगर मिले तो, टाइम मिले तो बीच बीच में। और जब व्यर्थ संकल्प ज्यादा हो हम पूछ, अच्छा ये अलग प्रकार का टाइम है। जब व्यर्थ संकल्प ज्यादा हो तब चिंतन चलता है क्या? पर आपके चलते हैं व्यर्थ संकल्प? नहीं। कैसे संकल्प चलते, कैसे चलते बताओ, कैसे चलते हैं? तो चिंतन कब कब करना है? जैसे ही अनुभव हो कि हम अपने मार्ग से भटक रहे तब चिंतन करना, बहुत लेट स्टेज में है ये तो। मतलब भटकेंगे और फिर चिंतन करेंगे और फिर रोकेंगे स्वयं को, थोड़ा और बताओ। हमें दिन का टाइम चाहिए, परिस्थितियों के पॉइंट नहीं चाहिए, दिन भर का जो टाइम है उसमें बताइए, 5 और 6 के बीच में, सुबह की शाम? सुबह। और
चिंतन कब करेंगे? टाइम टाइम चाहिए, टाइम, सोने से पहले और टाइम टाइम बताओ, परिस्थिति नहीं, टाइम चाहिए। शाम को 5 से 6। और भोजन करते समय ज्ञान का चिंतन। और सोने के बाद कि सोने से पहले? सोने के बाद कौन कौन करता है ज्ञान का चिंतन? कर्म क्षेत्र से आने के बाद नहीं, हमें टाइम चल बताइए, फिर भी शाम का फिर हो गया वो टाइम, है ना? और हमेशा ही करते रहना है चिंतन ही चिंतन, चिंतन ही चिंतन, चिंतन की धारा बहती रहे। भोजन बनाते समय किस चीज का चिंतन करेंगे? कौन सा चिंतन करेंगे? बाबा के साथ भोजन बना रहे? नहीं, वो दूसरा पॉइंट है। हम पूछ रहे हैं, देखो तीन बातें हैं, एक है ज्ञान का चिंतन करना, दूसरा है स्वयं से बातें करना, तीसरा है बाबा से बात करना। तीन काम है जो रोज करने, हर एक को लिख लो इन तीन काम को। एक तो स्वयं से बातें करना, हे योगी क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो, खुद से बातें करना है। जो जिसका नाम हो, नाम लेके, हमारे एक भाई है, उन्होंने अपना नाम ही आईने में लिख दिया है, हे मूर्ख दिनकर क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूर्ख मन, हे मेरी मूढ़ मति, क्या चिंतन कर रही हो? तुम्हें करना है प्रभु का चिंतन। तो उस भाई ने तो आईने में भी लिख दिया अपना नाम, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। इसे कहा जाता है सेल्फ टॉक, ताकि याद दिलाए, हमें याद रहे। स्व से बात करना, दूसरा है बाबा से बात करना, तीसरा है ज्ञान का चिंतन। तो हम पूछ रहे हैं चिंतन कब करना है, बहुत सारे उत्तर आए, सभी उत्तर राइट है। वैसे तो देखा जाए निरंतर होता रहे, फिर भी चिंतन चालू हो एकदम सुबह से, जैसे ही आंख खुली तब से बाबा को गुड मॉर्निंग किया। और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचते जहां हम योग करते हैं, थोड़ा वहां तक ही चिंतन चालू कर दे। दो बार उठना है, एक तो नींद से उठना है, नींद से स्वयं को उठाना है, दूसरा स्वमान से आत्मा को उठाना है। एक तो नींद से उठ गए और दूसरा स्वमान से, मैं कौन सी आत्मा हूं। तुरंत उठते ही पहला संकल्प, मैं कौन सी आत्मा हूं। दो बार उठाना है स्वयं को सुबह, और योग करना, और योग के तुरंत बाद का जो समय है 4:45 से लेके तो 6:30 7 तक, ये जो समय है बहुत शक्तिशाली समय है, इसको नींद में नहीं कमाना है। अमृत वेले के बाद सो जाना की कमाई चट, ये समय है जब चिंतन किया जाता है, जब माइंड फ्रेश होता है, तब ज्ञान का अध्ययन, तब मुरली की स्टडी करनी होती है। उसके बाद का समय है मुरली हो गई और मुरली के तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि मुरली के तुरंत बाद 10 लोग मिल जाए और चर्चाएं चालू हो जाए संसार की। मुरली के तुरंत बाद फिर से मौन, एकांत में अपने कमरे में जाना, एकांत में चलते हुए जाना, ज्यादा वार्तालाप, ज्यादा वाचा में नहीं आना है, चुप चिंतन करते 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 जाना है। क्या सुना, भूल गए, तुरंत डायरी खोलो,
छोटी सी डायरी आती है, हाँ जैसे ये भाई के पास है ना, छोटी डायरी, ऐसी छोटी डायरी रखनी है। डायरी तो बड़ी डायरी हम रखते हैं तो वो बंद हो जाती है, खोलते नहीं, छोटी सी जो जेब में हो। और कई लोग तो मोबाइल में स्टोर करते हैं पॉइंट्स टाइप करके, ऐसी जगह स्टोर हो कि सारे दिन भर में स्टेशन बस स्टैंड पर खड़े हैं, किसी के लिए वेट कर रहे, डायरी निकाली, पॉइंट्स देखे क्या क्या है, इतना जल्दी हमारे हमेशा वो साथ हो, छोटे से इसमें लिखना है, बजाय कि बहुत सारा हम लिख दे और उसको पढ़े ही ना, छोटे से कहीं पर नोटपैड या कहीं पर मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती है उसमें आप सेव कर सकते हो पॉइंट्स खाली। पूरी की पूरी मुरली लिखने की जरूरत नहीं, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, ये तो हम लिख ही रहे, अब उसमें थोड़ी नवीनता चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज की मुरली में, एकदम नया वाली कौन सी पॉइंट है जो मैंने आज तक नहीं सुनी और जो जिस पर मुझे काम करना है, ऐसे 5 पॉइंट्स लिख लेना बस, जो बहुत पावरफुल पॉइंट्स है। मुरली के बाद का समय फिर चलते फिरते थोड़ा ज्ञान का चिंतन, उसके बाद में संसार में जो भी चीजें दिखती है सबको ज्ञान से जोड़ते जाना, उसका एक सबसे पहली कल की एक्टिविटी हम करेंगे 9 से 9:30 बजे तक, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वस्तुओं को ज्ञान से कैसे जोड़ना उसकी। शाम का समय बहुत पावरफुल समय होता है, वो भी समय है चिंतन का। रात को सोने से पहले का समय है, वो भी समय है चिंतन का। तो चिंतन को अपने दिनचर्या में शामिल करना है, यह था दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है चिंतन कहां करना है, बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, फिर भी आप बताइए आप लोग कहां करते हैं पहले वो बताइए, जो लोग करते ही नहीं उनका क्या। अच्छा, चिंतन कहां करना है, एकांत में चले जाना है, चिंतन के लिए एकांत चाहिए। वैसे तो अभ्यास के बाद भीड़ में भी किया जा सकता है, भीड़ में भी कर सकते हैं, संसार का कोई आशिक माशूक भीड़ में रहते हैं फिर भी सोचते तो रहते हैं ना, उनको एकांत की आवश्यकता नहीं होती है, इतने खोए रहते हैं वो कि भीड़ जा रही है, ट्रेन जा रही है, आवाज भी नहीं आता है उनको। परंतु शुरुआत में एकांत चाहिए एक, और कहां, हम स्थान पूछ रहे, परिस्थिति नहीं, एकांत अलग चीज है, प्रकृति के सानिध्य में और बाबा के कमरे में। और कहां करेंगे चिंतन, जहां डेली बैठते हैं, जैसे कि लिखने के लिए या स्टडी करने के लिए, और घर परिवार के बीच में टीवी चालू है, आवाज चालू है, तो घर में चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। और बाबा कमरे बोल दिया, कर लिया वहां पर, अभी और बताओ और कहां करना है, जहां पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, कितना अच्छा उत्तर है, जहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ऐसे स्थान पर जाना है, वो मंदिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है, और जहां क्या, फूलों का बगीचा, बहुत बढ़िया, बाबा मुरलियों में कहते हैं वो, तो जहां बगीचा हो, फूल खिले हो, खुशबू हो, फ्रेशनेस हो, स्वच्छता हो, जहां जाते ही मन शांत हो जाए, ऐसे स्थान पर जाकर चिंतन करना है। छत पर, छत का, छत जो है वो एक बहुत अच्छा स्थान है चिंतन करने का। इन सभी स्थानों में एक स्थान है खुला आसमान, खुली जगह, प्रकृति जहां पर है वहां पर सबसे अधिक अच्छा चिंतन होता है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक, कवि, मूर्तिकार, शिल्पकार, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी खोजें ऐसे एकांत के स्थान पर हुई है। वहां जाते ही एक कमरे में बैठकर चिंतन करो, इतना नहीं होगा, छत पर चले जाओ, या कहीं झील है, कहीं समुन्दर है, कल कल निनाद करते झरने हैं, समुन्दर है, पहाड़ी है,
ऐसे समय ऐसे स्थान पर जहां चिड़ियों की आवाजें हैं, प्रकृति की केवल प्रकृति की आवाजें, मनुष्य का जहां पदचाप भी नहीं, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस वाले जो स्थान है वहां जाकर चिंतन करना। अंतिम प्रश्न है, चिंतन कैसे करें? ये हमने 52 विधियां बनाई थी, 52 मेथड्स, इसमें दो और ऐड हो गई, बाद में ऐड होती जा रही है इसमें, कि हम आपको कुछ ही बताएंगे और कल सारे दिन भर में फिर इनकी अलग अलग जगह पर चर्चा करते रहेंगे। कल अलग अलग स्थान पर क्लासेस में इनकी चर्चा करते रहेंगे। इसमें से एक मेथड आपको बता रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मेथड। कॉन्ट्रास्ट मतलब परस्पर तुलना करना। जैसे मुरली पड़ी, मुरली में कौन सी बात की तुलना आई है? भक्ति की, ज्ञान की, लौकिक की, अलौकिक की। दो चीजें बाबा बताते हैं, सतयुग में यह था, कलयुग में यह है। मुरली की वो सारी पॉइंट्स निकाल देना जिसमें तुलना है दो चीजों की, कॉन्ट्रास्ट। वो है खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी खुदाई, तुम हो खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार संसार में भी है। 1940 खान अब्दुल गफार खान, उसने एक नया मूवमेंट चालू किया था अपना, खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते तुम हो खुदाई खिदमतगार, बाबा कहते मैं हूं सर्वोदया लीडर। उधर विनोबा भावे ने अपना सर्वोदया मूवमेंट चालू किया था, भूदान यज्ञ। इधर बाबा कहते हैं मैं हूं सर्वोदया लीडर। कॉन्ट्रास्ट, ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, वो श्रेष्ठाचारी दुनिया है। तो सत्युग और कलयुग के आज कितनी ऐसी पॉइंट्स सारी चार पेज की मुरली में आई जिसमें कॉन्ट्रास्ट है, सारी वही पॉइंट्स निकाल लेनी है। दिस इज नोन एज कॉन्ट्रास्ट मेथड, अर्थात तुलना करना। बाबा ने कौन कौन सी चीजों की तुलना की है, ये सारी पॉइंट्स निकालनी, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड एग्जाम्पल मेथड। आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, जैसे वो एरोप्लेन ऊपर जाता है तो नदी और समुद्र नीचे रह जाते हैं, वैसे तुम्हारी स्थिति ऊंची हो तो परिस्थितियां नीचे रह जाएगी, ये एग्जाम्पल है। जैसे आज सुबह की साकार मुरली, सागर के बच्चे क्या हो गए थे, सबने सुनी है मुरली, हमने आज दिन भर पूछा नहीं, ये तो हमेशा पूछते हैं, सागर के बच्चे क्या हो गए थे आज सुबह की साकार मुरली, उदाहरण आया है वहां पर, क्या हुए थे? अरे बोलो ना, क्या हो गए थे? भस्म हो गए थे। बाबा ने भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया है, इश्वाकु वंश के राजा सगर, इश्वाकु वंश के राजा सगर थे, उसके 60,000 बेटे और एक दूसरा दूसरी पत्नी से एक बेटा, सारे बेटे वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो घोड़ा इंद्र चुरा के लेके जाता है, बेटे ढूंढने जाते हैं, कपिल मुनि शाप दे देता है, सारे भस्म हो जाते हैं। अब जब वो उसका बेटे का बेटा अंशुमान आता है तो वो कहता है, दिलीप वो कहता है कि जब तक धरती पर गंगा ना आ जाए वो जिंदा नहीं होंगे। तो दिलीप अंशुमान तपस्या करता है, गंगा नहीं आती है, दिलीप तपस्या करता है उसका बेटा नहीं आती है, उसका बेटा भगीरथ वो तपस्या करता है और धरती पर गंगा को लाता है, शिवजी अपने जटा पर धारण करते हैं और तब जाके सगर राजा के जो 60,000 बेटे थे वो जिंदा होते हैं। बाबा ने मुरली में उदाहरण दिया है, जैसे सागर के बेटे जल मरे थे, इसे कहा जाता है एग्जाम्पल मेथड, उदाहरण। मुरली में कौन कौन से उदाहरण है? मीरा का उदाहरण, नारद का उदाहरण। मुरली में कौन कौन से उदाहरण है? हातिमताई का उदाहरण। उदाहरण है, कम से कम हर मुरली में 5 से 6 उदाहरण होते, एग्जाम्पल एग्जाम्पल उठा लेना। दिस इज एग्जाम्पल मेथड। तीसरी मेथड 4 सब्जेक्ट मेथड। ये तो 52 है, हम कुछ कुछ बता रहे हैं आपको। 4 सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 डिवीजन कर लो, ये पता है सबको। ज्ञान की सारी पॉइंट्स एक तरफ, योग की सारी पॉइंट्स, लिखते समय ही ज्ञान की पॉइंट्स ज्ञान के कॉलम में, 4 पेज कर दिया, 1 पेज पर 2 लाइन, एक तरफ ज्ञान, एक तरफ योग, एक तरफ धारणा, एक तरफ सेवा, ऐसे 2 पेजेस पे लिखते समय ही ज्ञान की पॉइंट्स आती है तो ज्ञान के कॉलम में लिखना। धारणा की आती है, तुम्हें मीठा बनना है,
धारणा के पॉइंट में। तुम्हें जन जन को बाप का संदेश देना है, सेवा की पॉइंट। योग की पॉइंट, तुम्हें योग का चार्ट बनाना है। आज सुबह की मुरली नोट करो, हमने पतियों के पति को कितना याद किया, फोर सब्जेक्ट मेथड, फोर अर्थात चार। अगली मेथड पोयम मेथड, जैसे अभी अभी एक भाई ने यहां पर कविता सुनाई, वैसे मुरली है उस पर एक कविता लिखो जिस कविता में सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए मुरली के, पोयम मेथड। गीत मेथड, मुरली पर एक गीत बनाओ और उसको गाओ, एक पोयम एक गीत। दूसरा प्रिडिक्शन मेथड, प्रिडिक्शन अर्थात आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की है। एक समय आएगा जब सारे साधु संत किसके चरणों में झुकेंगे, माताएं किसके चरणों में, बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, एक समय आएगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। प्रिडिक्शन होता है, भविष्यवाणियां होती है, कौन कौन सी पॉइंट है वो निकालना वहां से। अगली मेथड है टॉपिक मेथड, मुरली से टॉपिक्स निकाल लेना। जैसे आज की मुरली में वरदान है परिवर्तन की शक्ति, तो परिवर्तन की शक्ति ये टॉपिक है, अभी इस पर लिखना परिवर्तन की शक्ति किसे कहते हैं, परिवर्तन की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, कैसे जीवन में धारण करें, मुझे किन किन चीजों का परिवर्तन करना है, एक टॉपिक और उस पर लिखना चालू या चिंतन चालू, टॉपिक मेथड। अगली ड्रिल मेथड, एक पैराग्राफ है मुरली का, उसको उसके ड्रिल में कन्वर्ट कर दो, उसको क्या कर देना है, उसको एक स्पिरिचुअल ड्रिल, एक योग का अभ्यास बना देना है। जैसे मुरली में आता है कि शिव बाबा और ब्रह्मा की रूह रिहान हो रही है, फिर उसने ये कहा उसने ये कहा, फिर हम उसको ड्रिल के रूप में कन्वर्ट कर दे, या फिर बाबा ने कहा बाप के पास आ जाओ और वरदान लेके जाओ, तो हम इसको ड्रिल बनाए कि मैं बाबा के पास उड़कर जा रहा हूं और वरदान ले रहा हूं। बाबा ने कहा है ग्लोब को सकाश दो, तो मैं आत्मा ग्लोब मेरे हाथ में है और मैं उसको सकाश दे रहा हूं, मैं कल्पवृक्ष के जड़ों में हूं और वहां बैठकर सकाश दे रहा हूं, ड्रिल, ड्रिल मेथड। अगली है सेल्फ चेकिंग मेथड, मुरली में कौन कौन सी चेकिंग पॉइंट्स आई है, चेक करो मैंने आज बाबा को कितना है, प्रश्न आते हैं ना चेकिंग, वो सारे अलग से लिख दो, इसको कहते हैं सेल्फ चेकिंग मेथड। फिर है स्टोरी मेथड, बाबा ने आज कौन कौन सी कहानियां सुनाई, तिजरे की कहानी, सत्यनारायण की कहानी, आज की मुरली में कौन सी कहानियां थी, हातिम ताई की कहानी, मुख में मुलहरा डाल दिया वो कहानी क्या थी, कीचक की कहानी, पांडवों की कहानी, पांडव गल मरे, कहानियां है, बाबा सारे भक्ति की कहानियां उठाते हैं, भक्ति के उदाहरण देते हैं, तो दिस इज, इसको कहते हैं स्टोरी मेथड। तो स्टोरी मेथड, इसमें से कभी कोई मेथड, कभी कोई मेथड, कभी कोई मेथड, पर हमारा चिंतन होना चाहिए। अगली एक मेथड है लैंग्वेज मेथड, बाबा ने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया, हिंदी, इंग्लिश, कभी गुजराती, कभी सिंधी, कभी कुछ ऐसी भाषा है जो तो अभी तक पता नहीं चली कौन सी भाषा है, आश्चर्यवत आवंती, मुरली सुनंती, दूसरों को मुरली सुनावंती, ज्ञान धारण करवंती, दूसरों को ज्ञान सुनावंती, दूसरों को धारण करंती, धारणा करावंती दूसरों को, और एक दिन ओ मम माया फारकती देवंती। ये तो अभी तक समझ में नहीं आए भाषा है कौन सी, रिसर्च अभी जारी है। फिर है इसेंस मेथड, आज की सारी मुरली का सार क्या है, इसेंस अर्थात सार। फिर है होमवर्क मेथड, आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया है, कम से कम तीन या पांच, वो निकालना है और फिर सारे दिन भर उस पर काम करना है। इसके लिए मुरली क्लास होने के बाद मुरली बंद नहीं हो, पूरी नहीं हो जाती है, वहां से तो चालू होता है कि इसमें से होमवर्क क्या है आज सारे दिन भर के लिए, मुझे करना क्या है। फिर है ऑडियो मेथड, यह है मुरली सुनना, ऑडियो आता है ना आजकल तो सबके पास मोबाइल है ऑडियो, तो मुरली सुनना और सुनते सुनते मुरली पढ़ना कभी कभी,
तो सुनते भी है और पढ़ते भी है, तो ज्यादा ग्रहण होता है कभी कभी। तो या तो चल रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं जा रहे, कान में ईयरफोन लगा दिया, जिनके पास आजकल तो सबके पास है वो सुन सकते हैं, या फिर टेप पर सुन सकते हैं। रिलेशनशिप मेथड, आज बाबा ने किस संबंध को ज्यादा याद किया है मुरली में, साजन को ज्यादा आया है, क्या आया है, तो ये सारी अलग अलग भिन्न भिन्न विधियां है। एक लास्ट ले लेते हैं फिर क्लास को पूरा करते हैं। हाँ, आंसर चर्निंग मेथड, मुरली में प्रश्न आता है तुरंत उसका उत्तर नहीं देखना है, प्रश्न पढ़ लेना या सुन लेना और फिर उसका दिन भर में कम से कम 10-15 अपने चिंतन से उत्तर निकालना। प्रश्न पढ़ लेना, उत्तर देखना नहीं क्या बाबा ने कहा, बाबा का उत्तर सबसे लास्ट में देखना, प्रश्न पढ़ लेना और सोचना क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जो लिख सकते वो लिखे, लिखने की आदत डालनी है, ठीक है। तो ये सारी है मुरली चिंतन की विधि। तो इस क्लास को आज यही पूरा करते हैं, कल सारे दिन भर में हम यही बहुत सारी पॉइंट्स फिर कवर करेंगे, अलग अलग विधियां। अच्छा, ओम शांति।